हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम प्रज्वल सिंह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर टॉप 10 क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत क्या है और जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया और आपका हम नामकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जैव शक्ति सिद्धांत। तो बच्चों, जैव शक्ति सिद्धांत को देने वाले बर्जीलियस थे। कौन थे बच्चों? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। किसने दिया था बच्चों? जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। तो सबसे पहले बच्चों, आपका यह मालूम होना चाहिए कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था बच्चों? बर्जीलियस ने दिया था। उन्होंने क्या बताया? तो आपके यहाँ पे क्या लिखा? जैव। जैव मतलब क्या होता है बच्चों? जीव होता है। जैव मतलब क्या होता है? जीव। तो उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं केवल जीव से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम प्रयोगशाला में या उन्हें हम बना नहीं सकते हैं। तो क्या बताया बच्चों? तो इनके अनुसार, बर्जीलियस के इनके अनुसार बच्चों क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक है, इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल जीव से प्राप्त किए जा सकते हैं। कि उन्होंने बच्चों क्या बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें हम केवल जीव से प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या है बच्चों? जैव शक्ति सिद्धांत कि जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें हम केवल जीव से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, और ये बच्चों आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों आपके लिए। चाहे बच्चों ये पूछ लें कि आपका जैव शक्ति सिद्धांत क्या है या तो जैव शक्ति सिद्धांत के खंडन के बारे में पूछ लें। तो इन्हीं के शिष्य थे एफ होलर। इन्हीं के शिष्य थे बच्चों, होलर थे, उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था। तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन अब अगली हेडिंग देखेंगे। तो अगली हेडिंग क्या है आपका? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। तो सबसे पहले बच्चों जान जाइए कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया था? एफ होलर ने किया था। उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके इनके सिद्धांत का खंडन किया था। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे आपका जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन एफ वोलर कुछ किताबों में बच्चों आपको वोलर मिलेगा कुछ किताबों आपको वोलर मिलेगा तो एफ वोलर ने प्रयोग
साला में प्रयोग साला में यूरिया बनाकर प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर इनके सिद्धांत का खंडन किया था। तो किसने किया था बच्चों? जैसे सिद्धांत का खंडन किसने किया था? ए. फोलर ने किया था। और क्या किया था? इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। तो अमोनियम साइनेट का जो फार्मूला होता है बच्चों, NH4CNO, तो अमोनियम साइनेट को जब ने हिट किया NH2CO NH2, इस ये होता है बच्चों आपका यूरिया, और ये क्या होता है आपका अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या बनाया था बच्चों? आपका यूरिया बनाया था। तो इस प्रकार से इनका सिद्धांत का खंडन हुआ। इसके बाद कोल्बे ने तत्वों को संश्लेषित करके एसिटिक अम्ल बनाया। कोल्बे ने तत्वों को संश्लेषित करके एसिटिक अम्ल CH3COOH बनाया। तो ये दो बातें बच्चों, ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर यार तो बच्चों, तो इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था, ये बच्चों आपको लर्न करना है। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रहने चाहिए, इन भाई साहब का नाम ध्यान में रहना चाहिए, और ये बर्जीरियस जो है इनके नाम ध्यान में होने चाहिए आपको। तो बस यहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, चाहे ये पूछ ले जैसे सिद्धांत किसने दिया था, और चाहे जैसे सिद्धांत का खंडन किसने किया था, और आपका क्या बना था ये पूछ ले। तो ये कंफर्म रहिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस एक नंबर के बनेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका अगले हेडिंग पे आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपका बात करेंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी को हम कह सकते हैं बच्चों समधन जाति। तो सम मतलब क्या होता है बच्चों? सम मतलब होता है समान। सम मतलब क्या होता है बच्चों आपका? समान। और जाति मतलब क्या होता है बच्चों? क्रियात्मक समूह। जाति मतलब बच्चों यहां से क्या निकला आपका? क्रियात्मक समूह। तो सजाति श्रेणी क्या है बच्चों? वह श्रेणी जिसमें उपस्थित सभी कार्बनिक यौगिकों का जो क्रियात्मक समूह हो बच्चों, वह क्या हो आपका? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? सजाति श्रेणी कहेंगे। तो सजाति श्रेणी क्या बच्चों? वह श्रेणी जिसमें उपस्थित सभी कार्बनिक यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान होता है तो उसे बच्चों क्या कहेंगे? तो उसे बच्चों कहेंगे आपकी सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो उसे सजातीय श्रेणी कहते थे। ये बच्चों आप तैयार रखिए, वह श्रेणी जिसमें उपस्थित सभी कार्बनिक यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान, उसे हम क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा बच्चों। और एक और हेडिंग जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सजातीय श्रेणी
की विशेषताएं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो सजातीय श्रेणी की क्या विशेषता है बच्चों? अगर ये 50% आने के आसार हैं तो ये मानिए 90% बच्चों। तो और यहां से जानिए बच्चों, एक क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है, तो ये हेडिंग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर चलिए बच्चों। तो सजातीय श्रेणी की क्या विशेषता है? अगर आपके क्रियात्मक समूह बच्चों समान होंगे, जैसे हम आपका एक लिख रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे हमने CH3OH, तो CH3OH में बच्चों आपका ये क्या हाइड्रोकार्बन है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ये क्या बच्चों आपका हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या बच्चों आपका क्रियात्मक समूह है, ये क्या बच्चों आपका क्रियात्मक समूह है। और बच्चों एक बात बता दे आपकी जानकारी के लिए कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण निर्धारित करते हैं, और जो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं वह क्या निर्धारित करते हैं? रासायनिक गुण निर्धारित करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या निर्धारित करते हैं बच्चों? भौतिक गुण। और जो क्रियात्मक समूह है वो क्या निर्धारित करते हैं बच्चों? आपके रासायनिक गुण। क्या निर्धारित करेंगे बच्चों? आपका रासायनिक गुण। तो यहां से आप क्लियर रहिए, क्रियात्मक समूह जो होंगे वो आपके रासायनिक गुण निर्धारित करेंगे, और जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या निर्धारित करेंगे? भौतिक गुण निर्धारित करेंगे। तो सजातीय श्रेणी की पहली विशेषता क्या निकल के आएगी कि बच्चों यदि समान क्रियात्मक समूह होंगे तो सजातीय श्रेणी के सभी कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुण होंगे क्या होंगे? समान होंगे। तो पहली पॉइंट निकल के आई। और बच्चों जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे वैसे हाइड्रोकार्बन क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे कि आपका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे बच्चों हमने लिखा एक सजातीय श्रेणी आपका लिख रहे हैं हम CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH2
क्रियात्मक समूह समान है, है कि नहीं? क्रियात्मक समूह समान, अगर आपके क्रियात्मक समूह समान तो आपके रासायनिक गुण समान। और यदि देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन में देख रहे हैं क्रमिक वृद्धि हो रही है, तो आपके भौतिक गुणों में भी क्रमिक वृद्धि होती है। तो सबसे पहला सजातीय श्रेणी के सजातीय श्रेणी में उपस्थित, तो पहला तो हम यही पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, क्रियात्मक समूह के बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में सजातीय श्रेणी में उपस्थित सभी यौगिकों में, सभी यौगिकों में समान क्रियात्मक समूह, समान क्रियात्मक समूह होता है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, और सेकेंड क्या होगा? और समान क्रियात्मक समूह है बच्चों तो रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। तो सेकेंड क्या लिखते थे बच्चों? सजातीय श्रेणी के सजाती श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं आपकी कार्बन परमाणु में वृद्धि हो रही है, तो मतलब आपके हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या रहे? बढ़ रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन बढ़ेगा तो भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब तीसरी प्रॉपर्टी आ गई सजातीय श्रेणी के यौगिकों में, सजातीय श्रेणी के सजातीय श्रेणी के यौगिकों के सजातीय श्रेणी के
यौगिकों के भौतिक गुणों में किसे बच्चों भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी होगी बच्चों। और यदि बात करें बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 की बच्चों, तो अच्छा ये बताइए आप, यहाँ पर हमने लिखा है CH3OH और अगली कंपाउंड लिखा है CH3CH2OH, तो OH तो बच्चों समान है, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई बताइए आप। तो एक कार्बन बढ़ा और कितने हाइड्रोजन, देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पे, तीन, तो यहाँ पे 3, 2, 5 और 1, 6 कितने हैं बच्चों, 6, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6 और यहाँ कितने बच्चों, 2, 1, 3। अगर बच्चों ये तो आपको क्या क्रियात्मक समूह है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चों माफ कीजिएगा आपका CH3 है ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका क्या रहा, 4 और यहाँ कितने का हाइड्रोजन है, 6, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, और कितने कार्बन, 1, 2 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पर बच्चों, 1 कार्बन यहाँ पर है और 2 कार्बन बच्चों यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन की वृद्धि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हुई और 4 से 6 में पहुँचने में 2 हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, तो मतलब कितने की वृद्धि हो रही बच्चों, CH2 की वृद्धि हो रही। तो चौथी प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि सजाती श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, और अगले प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, तो देखिए CH2 का एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, कार्बन है, कार्बन का परमाणु कितना होता है, 6 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 6 अगर आप दुगना करेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकलेगा बच्चों, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निकलेगा, तो 6 दूनी 12 और 2 है बच्चों तो 2, तो 12 2 कितना, 14, तो किन्हीं दो सदस्यों के बीच आपके 14 मतलब 14 है परमाणु द्रव्यमान की वृद्धि होती है। इसे भी लिख सकते हैं बच्चे सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच सदस्यों के बीच 14 परमाणु द्रव्यमान 14 परमाणु द्रव्यमान का अंतर होता है बच्चों, का अंतर होता है। तो ये जो बातें रही बच्चों, इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक तो ये जरूर बैठा लीजिए, क्योंकि यहां से पूछेगा कि सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच कितने अंतर होता है, तो ये जानते रहिए CH2 का अंतर होता है। और ये बच्चों, और आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, कम से कम आप 3 पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए, और आपका ये तो जान लीजिए सजातीय श्रेणी की विशेषता आपसे पूछने वाला है और आएगा ही आएगा। तो ये चीजें हमें आशा है कि आप तैयार करेंगे बच्चों। अब हम आते हैं आपकी अगली हेडिंग पे,
तो सजातीय श्रेणी हो गई बच्चों, आपका हाइड्रोकार्बन हो गया और आपका जैव सिद्धांत हो गया। अब हम बात करेंगे जहां से आपके तीन नंबर आने हैं बच्चों, दो नंबर आने हैं ये तो फिक्स है, तीन आएंगे नहीं तो दो तो फिक्स है बच्चों, IUPAC नामनक्लेचर। तो सबसे पहले जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं तो उनके नामकरण के लिए मुख्य रूप से आप दो विधि जानते रहिए बच्चों। एक क्या है, साधारण विधि, मतलब आपका यदि बात करें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो स्टार्टिंग में बच्चों जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है उसे हम उनके स्रोतों के आधार पर या गुणों के आधार पर करते थे, लेकिन जब कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ने लगी तब उनका हम नामकरण IUPAC विधि, मतलब IUPAC विधि से करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम आपकी साधारण विधि सीख लेंगे, थोड़ा सा साधारण विधि। तो बच्चों साधारण विधि में जो आपके नाम करते हैं वह कार्बनिक यौगिकों के गुणों या उनके स्रोतों के आधार पर किए हैं, उनके स्रोतों के आधार पर करते हैं, उनके स्रोतों के आधार पर करते हैं। तो ये बच्चों आप जानते रहिए, ठीक ना। जैसे ये बच्चों आपसे पूछ लेते हैं अक्सर, जैसे CH4 आपका पाया जाता है बच्चों दलदल में, और दलदल को हम क्या कहते हैं बच्चों, मार्स कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, CH4 को मार्स गैस कहते हैं। और जो आपकी कोयले में खान होती है, जो कोयले की खान होती है उसमें आग लगने की मुख्य वजह आपकी CH4 होती है, डैम्प फायर भी इसे कहते हैं। तो ये जानते रहिए बच्चों, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है और ये तो महा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये तो महा इम्पॉर्टेंट है CH3COOH। या तो बच्चों इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना दे, या तो इस प्रकार से बना देगा जैसे CH3COOH। तो ये बच्चों आपका जो है एसिटिक अम्ल है, क्या बच्चों आपका एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल आपके सिरके में पाया जाता है और IUPAC में से एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो सिरके को हम लैटिन में क्या कहते हैं बच्चों, एस्टम कहते हैं। तो ये पाएगा सबसे पहले बच्चों एस्टम, और लैटिन में कहाँ बच्चों, लैटिन में इसको हम क्या कहते हैं, एस्टम कहते हैं बच्चों, एस्टम कहते हैं। और एस्टम कहने के कारण इसको बच्चों ने क्या कह देते हैं, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं आपका एसिटिक, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों आपका एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो सबसे पहले इतनी बातें तो हमें जानकारी में होनी चाहिए। अब दो कंपाउंड जानते रहिए और दो में से बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल क्या है आपका। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आपका IUPAC नामनक्लेचर का, लेकिन आज नहीं बच्चों, वह होगा आपका कल के लेक्चर में कि IUPAC नामनक्लेचर IUPAC विधि से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। और बच्चों आपके लिए एक सूचना है कि आपका टाइम टेबल आ चुका है, आपका 24 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट है, और पहला पेपर बच्चों आपका हिंदी है, जैसा कि यूपी बोर्ड है तो आपका हिंदी तो होगा ही, तो पहला पेपर बच्चों आपका हिंदी है। तब तक हम आपका जो केमिस्ट्री पोर्शन है बच्चों 24 मार्च से पहले लगभग 15 मार्च तक ख़त्म कर लेंगे आसानी से, और आप रिवाइज करते रहिए, और जहां पर भी आपको डाउट्स आए कमेंट बॉक्स में बच्चों आप जरूर डालें, हम अगले दिन उसका जरूर सॉल्यूशन करेंगे, या तो SMS के थ्रू हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपका आंसर भेजेंगे। और यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट्स बचा हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।